सब्सक्राइब करने के बाद घंटा जरूर दबाएं ताकि आप दूसरा अपडेट घंटा भी मिस ना कर पाएं। तो हाय गाइस, कैसे हो आप सारे। आज हमारी ये कोई कॉमेडी वीडियो नहीं है, आज हम बनाने जा रहे हैं एक अनबॉक्सिंग वीडियो, वो भी हमारे इस नए बोया माइक की। तो बात करते हैं इस बोया माइक की। ये मैंने मंगवाया है अमेजोन से, अमेजोन प्राइम से, और इसको आने में एक दिन लगा लगभग। तो देखते हैं इसमें करने जा रहा हूँ इसकी अनबॉक्सिंग। और ये मैंने अमेजोन प्राइम से मंगवाया है, देख सकते हैं आप, स्कैनर वगैरह, और इसका प्राइस इसके ऊपर नहीं दे रखा है गाइस। तो चलिए शुरू करते हैं अमेजोन से। इसको मैंने भूल से पहले खोल लिया गाइस, उसके लिए माफ़ी। तो ऐसे आपको खोल के दिखा दिया। तो पहले इसको खोला तो ये हवा से भरा हुआ मिला मेरे को, एयर बैलून की तरह, देख ही लीजिए आप। मैंने सोचा ये तो खाली निकल गया। तो ये इसकी कुछ फॉर्मेलिटीज़ है, तो अब निकालते हैं। ये रहा अपना माइक बोया का, ये देख सकते हैं गाइस आप। तो अभी मैं इसको खोलने जा रहा हूँ। और वैसे तो ये लगभग 1000-1200 रुपए के लिए पड़ता है, पर अपने सस्ते में काम पट गया। तो अभी मैं इसको खोलने जा रहा हूँ गाइस। ये पेपर वर्क इसके अंदर, इस लिफाफे को मत फोड़ना, काम आ जाता है कई बार। तो गाइस इसको ऐसे ढक दिया जैसे कि नया नया है। तो अभी मैं इसको अनबॉक्स करने जा रहा हूँ। कृपया कैमरा सीधा करें आप थोड़ा सा, ये खुल नहीं रहा है। तो ये गाइस जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने इसको कर दिया अनबॉक्सिंग। और ये क्या गाइस, तो ये है हमारा बोया का माइक। और ये कुछ फॉर्मेलिटीज़ है जिसमें हमें समझाया गया है, कुछ फॉर्मेलिटीज़ है, कार्ड्स वगैरह बोया कंपनी के कुछ फॉर्मेलिटी है। और अभी मैं इसमें, ये कैमरे में लगता है वायर, और फ़ोन का अलग है, और ये माइक जैक वगैरह इसके कुछ वो टूल्स हैं इसके। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये तो इसकी क्लिप है लगाने के लिए, ये इसका वो माइक का, और ये सेल है, और ये कैमरे में लगता है। तो गाइस अभी अपन, और ये शायद सफाई के लिए होता है इसके मेरे ख्याल से। तो ये है अपना मेन बोया वाला माइक, जो सबसे इम्पोर्टेंट है अपना। ये है अपना माइक, और ये इसके आगे ऐसे लगेगा। एक मिनट रुकिए गाइस, सभी को लगा कर दिखा देता हूँ। 1 मिनट, तो ये हमने सेट कर दिया है। अभी पहले मैं सीधी वीडियो बनाता था, तो सर गाइस मैंने सोचा कि बोया का माइक ले आते हैं। तो ये है अपना माइक, चलिए धन्यवाद आपका बहुत, मिलते हैं अगली वीडियो में। हाँ तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी बोया की अनबॉक्सिंग, उम्मीद करता हूँ अच्छी लगी होगी। और बात करते हैं हम अब इनके फीचर्स की। तो हम इसे यूज़ कर सकते हैं अपने स्मार्टफोन्स में, कैमरेज में, और पीसी में। और ये बाहर की आवाज़ को कर देता है बिल्कुल कम, जिससे हमारी वीडियो अच्छी वॉइस क्वालिटी बनती है। तो अभी मैंने ये माइक लगा रखा है, आप देख सकते हैं, और मेरी आवाज़ भी क्लियर आ रही है। और इससे वॉइस कैंसिलेशन बहुत ही अच्छा होता है, जिससे कि बाहर का नॉइस बहुत कम कर देता है। और ये यूट्यूबर्स के लिए, जैसे मैं भी अभी लेकर आया, मेरे 1K सब्सक्राइबर हो गए, तो ये हम जैसे यूट्यूबर्स के लिए जो वीडियोस बनाते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। और मैंने इसको परचेस किया है लगभग 1199 रुपए में, तो बहुत ही कम पैसों में, और बहुत ही अच्छा माइक मिलेगा दोस्तों आपको ये मंगाने पर, बोया M1। तो कई लोगों का मुझसे ये भी पूछना है कि भाई आप कौन सा कैमरा यूज़ करते हो। तो भाई मैं J5 Prime, मेरा मोबाइल है सैमसंग J5 Prime, उसी का कैमरा यूज़ करता हूँ अभी तो, और ये बोया का माइक यूज़ करता हूँ, और 31-10 ट्राईपॉड यूज़ करता हूँ। तो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से जाकर ले सकते हैं। और हाँ, मेन बात कि कई मुझसे एडिटिंग का भी पूछते हैं, तो मैं एडिटिंग अभी काइन मास्टर ऐप से करता हूँ, जिसका मैंने क्रैक वर्जन ले रखा है।
और आपको ये YouTube पर भी मिल जाएगा, मैंने भी YouTube से डाउनलोड किया है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको ये माइक कैसा लगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, ये लाल वाला बटन दबा दें और घंटे को भी प्रेस कर दें जिससे मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और तो भाई बंद कर दीजिए इसे, अरे कर दे यार, कर दे रहा है।